हेलो स्टूडेंट, स्वागत है थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल दे विच। अज आपां इस विच क्लास सिक्स वाले दा मैथन जिहड़ा कि नवंबर दा पेपर देखांगे। 40 मार्क्स दा थोड़ा पेपर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो। हर एक पेपर जिहड़ा कि सिक्स क्लास दा इस चैनल दे उत्ते अपलोड किया जाएगा विद सोल्यूशन, इसलिए चैनल नूं कर लो सबसक्राइब ते वीडियो नूं जरूर लाइक करियो। कमेंट करके दस्सियो वीडियो किवें दी लगी, तां जो जिहड़े कि होर सब्जैक्ट दे वी वीडियो अपलोड कीतीआं जाण। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं, हाउ मैनी लाइनस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। तो एक पॉइंट चो किन्नी लाइन पास की जा सकती है, तो यहाँ आंसर होंगे इनफिनाइट। आप इन जिन्या मर्जी लाइन जो कि खिंच सकते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर दैन अ डायामीटर इज़। जे 4 रेडियस है तो डायामीटर किन्ना होगा 8। नैक्सट, हाउ मैनी टर्म्स इन एक्सप्रैशन 7L-3L। तो इसका राइट आंसर केड़ा होगा 2। तो आप इसका की ऑप्शन लगा के आवेंगे 2। नैक्सट है 5 सबट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम एम। तो जो एम चो 5 सबट्रैक्ट करते हैं तो की आएगा m-5। नैक्सट है द रेडियो ऑफ 2 मीटर 275 सेंटीमीटर। तो जी द रेशो ऑफ 24 सैकेंड्स टू 1 मिनट्स। तो इसकी जी रेशो की बनती है, पहला तुसी देख सकते हो आप 24 सैकेंड्स चेंज करांगे किस दे विच करांगे मिनटा दे विच। तो आप 24 मल्टीप्लाई करते या 1 मिनट नू चेंज कर लो, 1 मिनट दे विच किन्ने सैकेंड होंगे ने 60। किसी नू भी किस बदलना चाहते हो अगर 24 नू मिनट चू मल्टीप्लाई कर लो 60 नू, या मिनट नू सैकेंडा च 1 मिनट च किन्ने सैकेंड होंगे 60। तो यदि कटिंग करते 12, यदि कटिंग करते 30, फिर इसकी कटिंग करते 6, फिर इसकी कटिंग 15, फिर 2 3 6 3 5 का, तो किन्ना आ गया 2:5। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर आ गया। नैक्सट है द रेशो ऑफ 2 मीटर 275 सेंटीमीटर इज। तो इस ऑप्शन केड़ी बढ़ेगी 6 दी, तो आप सोल्व करते 2 मीटर आप सेंटीमीटर च बदलते तो की आता 200 ते 75। जो आप कटिंग करते 5 टेबल तो 40, इधर 15, फिर इधर 48, तो इधर 3। तो इस राइट आंसर की है सी। अगर द रेशो ऑफ 1 ईयर टू 8 मंथ इज़, तो इसका भी इदा ही होगा, आप ईयरस मंथ से चेंज कर लेंगे तो 12 और 8। तो इसकी कटिंग करते 6, तो इसकी कटिंग करते 4, जो इसकी कटिंग 3, तो इसकी 2 2 4। तो इसका जी ऑप्शन है कि आएगी बी 3:2। फाइंड ए इफ 8, 40, 65 आर इन प्रोपोर्शन। तो 8 का आंसर हैगा तो की आएगा 30। ठीक है, नैक्सट देखते हैं, फिलिप्स आ ट्रैंगल हैज़ डैश साइड। तो इसकी ट्रैंगल हैज़ 3 किन्नी साइड है 3, तो आ ट्रैंगल हैज़ डैश वर्टेक्स। तो इसका राइट आंसर की है 3। आ क्वाड्रिक हैज़ डैश वर्टेक्स, तो इसके किन्ने क्वाड्रिक दे होंगे 4। अ क्वाड्रिक हैज़ डैश साइड, साइज भी किन्ने होंगे 4। अगे नैक्सट है ट्रू फोर्स ईच इक्वलेटर ट्रैंगल इज़ एन आइसोलेट ट्रैंगल। तो जोड़ा ईच इक्वलेटर ट्रैंगल है कहते आइसोलेट ट्रैंगल है, तो इसका आंसर है ट्रू। अगे नैक्सट, इन राइट ट्रैंगल देयर इज़ ओनली 1 राइट एंगल। तो इसका भी आंसर की है ट्रू। अगे पिक्टोग्राफ रीप्रजेंट पिक्चर है ऑफ ऑबजेक्ट ही करता, तो इसका राइट आंसर यही है ट्रू। अगे नैक्सट हैगा ए If an on a scale 1 unit is equal to 200, then 5 unit will represent 500. तो इसका राइट आंसर हैगा फॉल्स। अगे हैगा 2 मार्क्स, राइट द नंबर विच इज़ मोर दैन ए। तो विच इज़ मोर दैन ए, तो ए प्लस 3। ठीक है, अगे नैक्सट हैगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स ए लाइन और 2 rays और 2 line segment। तो यह की है 2 line segment। तो आप किस पर टिक लगाना है 2 line segment पे। अगे नैक्सट है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सोल्व करनी है। ये भी सिंपल इक्वेशन है बच्चों, 3x-3 = 15। 3x बाहर काट लिया, 3 उधर जाके कादा हो जूगा प्लस का, फिर आप प्लस करेंगे कितना आएगा 18। तो फिर एक्स नूं जदों बाहर कढ़ांगे 18/3, कटिंग कीती किन्ना आ गया एक्स 6। ठीक है, इस दा आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन सीगा। अगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन जिहड़ी नीचे दित्ती हुई है,
बस आप की करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे किमें आऊगा 25 नूं आपां मल्टीप्लाई इनू इहदे नाल करीदा हुंदा इनू इहदे नाल करीदा हुंदा ठीक है 6 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई एक्स वो आप ऑन करेंगे 25 15 नीचे आ जाएगा एक्स उधर ही रहेगा इज इक्वल टू एक्स कटिंग करी दी इधर 3 इधर 5 3 वन दा 3 3 टू दा 6 5 टू दा 10 तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 10 ठीक है नैक्सट हैगा वे 25 स्टूडेंट आर गिवन है के जी तो के जी के उन्होंने क्या टैली बार बनाने ने तो यह सिंपल ही है बच्चो टैली बार तो तुसी बॉक्स बनायो इधर ये नंबर इन्हें कॉमन नंबर लिख लियो उस तो बाद एक होर बॉक्स इतने टैली तो इतने टोटल ठीक है और टैली टैली तुसी 1 2 3 4 5 ए मारनी है 1 2 3 4 जिनी बार आता हो 3 2 5 4 6 जिन्ना करके उन्हें टोटल कर देना बस खत्म टैली बार हो गए ठीक है ग्राफ तो नहीं किया इन्होंने अरेंज ही करा करने किया 6 मार्क्स क्वेश्चन हैगा नंबर ऑफ फ्लैट फेसिस लिखने नंबर ऑफ कर्व्ड फेसिस लिखने नंबर ऑफ वर्टेक्स लिखने हैं ठीक है यह सिंपल हैगा थोड़ी बुक के विच तुहानू दिता होगा उसनू ध्यान नाल तुसी देख लियो ते इहनू फिल कर दियो ठीक है बच्चे ये थोड़ा मैथ का पेपर सीगा 6th क्लास वालों का अगर चैनल ते नवे चैनल नू सबसक्राइब कर लो जिन्हों समझ लगे कमेंट करके जरूर दसियो ते अगे शेयर करियो थैंक यू